में देखा था कि हमने लाइट एंड किस तरीके से यूज किया था. नेक्स्ट जो स्टैटिक क्वेरीज है उसमें देखिए सेलेक्ट मेल ईएम की नेम मैंने यहां पर डाला था लिखा है फ्रॉम ईएम. यहां पर क्या होगा ये जो ईएम की टेबल है इसका जो नेम कॉलम जब वो डिस्प्ले होगा तो उसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी. मतलब अगर हम किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं या डिस्प्ले करवाते समय जब हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम उस कॉलम के बाद सिंपल डबल कोट्स के अंदर जो भी डेटा लिखेंगे वो डिस्प्ले होते समय इस पर्टिकुलर कॉलम की हेडिंग की तरह यूज होगा. नेक्स्ट में ये है सेलेक्ट आईडी फ्रॉम ईएमपी यूनियन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम न्यू ईएमपी. यहाँ पर ईएमपी और न्यू ईएमपी जो है वो हमारी दो टेबल्स. यहाँ पर ये जो चार क्वेरीज मैंने लिखी है यूनियन यूनियन ऑफ इंटरसेक्ट एंड माइनस ये हमारे ऑपरेटर्स है सेट ऑपरेटर्स के नाम. यहाँ पर यूनियन यूनियन ऑफ इंटरसेक्ट एंड माइनस जैसे कि लिख करेंगे तो देखिए यहाँ पर ईएमपी और न्यू ईएमपी टेबल से यूनियन के द्वारा जब हम इनको सेलेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर दोनों टेबल में से आईडी कॉलम के पूरे डेटा डिस्प्ले होंगे लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट जो आईडी होगी वो हट जाएगी. लेकिन यूनियन वाले पेपर ईएमपी टेबल की आईडीज एंड न्यू ईएमपी टेबल की आईडीज दोनों डिस्प्ले होंगी और डुप्लीकेट भी शो होगी. मतलब यूनियन से डुप्लीकेट एलिमिनेट हो जाता है यूनियन आल्सो डुप्लीकेट भी एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्ट. जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ते थे ये नॉर्मली वैसा ही बिहेव करता है. ईएमपी टेबल की आईडी कॉलम तथा न्यू ईएमपी टेबल की आईडी कॉलम में जो डेटा कॉमन होगा वही डेटा यहाँ पर डिस्प्ले. लास्ट होता है माइनस. माइनस में हमेशा पहली क्वेरी जो हम लिखते हैं जैसे हमने यहाँ ईएमपी के लिए लिखी है दूसरी क्वेरी हमने यहाँ पर न्यू ईएमपी के द्वारा तो दूसरी टेबल जो है वो फिल्टर कर रही है और फर्स्ट क्वेरी जो है वो आउटपुट को रिड्यूस कर. अगर हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे हम न्यू ईएमपी यहाँ लिखे और ईएमपी यहाँ लिखे तो ईएमपी वाली टेबल जो है वो सेकंड क्वेरी हो जाएगी तो यहाँ से ईएमपी का फिल्ट्रेशन होगा और न्यू ईएमपी रिड्यूस कर. लेकिन मैंने पहले ईएमपी लिखा था लेफ्ट ईएमपी लिखा है तो न्यू ईएमपी यहाँ पर फिल्टर हो गई और ईएमपी जो है वो आपके डेटा को रिड्यूस कर. लास्ट क्वेरी है मैंने सेलेक्ट की डुएल्स. डुएल एक इनबिल्ट टेबल होती है जो कि बहुत सारे फंक्शंस को यहाँ पर सपोर्ट करती है जैसे कि कोई कैलकुलेशन करना है कोई कैरेक्टर फंक्शन हमको यूज करना है. यहाँ पर मैंने एक सिंपल फंक्शन यूज किया है इनिट कैप. सेलेक्ट इनिट कैप मेरा डेटा है यहाँ पर अमित. अमित की स्पेलिंग जो है वो ए एम आई टी पूरी स्मॉल में है. देन मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ली है नेम और फ्रॉम डुएल. डुएल टेबल से इसका वर्किंग होगा. यहाँ पर जो अमित डेटा है उसका इनिशियल लेटर कैप्स में हो जाएगा मतलब आउटपुट जब डिस्प्ले होगा तो कैपिटल है एम आई टी डिस्प्ले होगा और उसकी जो हेडिंग है वो हमारी यहाँ पर नेम के साथ में डिस्प्ले. तो अभी हमने इन दोनों वीडियोस में हमारी टोटल 21 प्रकार की सेलेक्ट क्वेरीज को देखा है. थैंक यू.